नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज चैनल। हनुमानगढ़ जिले की पंचायत समिति भादरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड सरदार गढ़िया के वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान मदन जी से आरपीडी न्यूज टीम ने बातचीत करते हुए खास मुलाकात की। मुलाकात में अध्यक्ष ने बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत किसान ज्यादा से ज्यादा लाभ लें और युवाओं को खेती की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो आइए जानते हैं सुनील खिच्ची के साथ खास मुलाकात में अध्यक्ष मदन जी के विचारों को। नमस्कार, मैं सुनील खिच्ची और आप देख रहे हैं आरपीडी न्यूज। और आज हमारी टीम पहुंची है ग्राम सेवा सहकारी समिति सरदारगढ़िया, पंचायत समिति भादरा और जिला हनुमानगढ़ी के अंदर। विशेष तौर से यहाँ की जनता ने जो अध्यक्ष पद पर विराजमान किए हमारे साथ जुड़े मदन जी बैरवाल, तो उनसे खास मुलाकात के अंदर बातचीत करते हैं कि आपकी सोसाइटी के क्या मुद्दे हैं, क्या समस्या है और क्या एजेंडे हैं। और विशेष तौर से बताना चाहूंगा कि यहाँ की जनता ने जो अध्यक्ष पद पर विराजमान अच्छी वोटों से उनसे यहाँ पे लीड लिए। सर, पहले तो मदन जी आरपीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका भी आरपीडी न्यूज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आपको कहते हैं राजस्थान पंचायती दुनिया में भी की तरफ से आपको भी हमारे पास मिलने का मौका दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मदन जी, बात करते हैं, हमने आपके बारे में यहाँ अध्यक्ष पद पर कवरेज किया है सर आरपीडी न्यूज चैनल के माध्यम से, तो यहाँ आपकी जो सोसाइटी अभी नई गठित की गई है, तो इसकी मेन समस्याएं क्या है सर, तो इसके बारे में थोड़ा। हमारी नई सोसाइटी बनी है सरदारगढ़िया पंचायत की, अभी जिसका गठन अभी कुल मिला के 8-10 महीने में, इसके अंदर हमारे बैठने के लिए भी अभी तक ऑफिस या कोई मकान नहीं है, नहीं अभी हमारे पास कोई गोदाम की व्यवस्था है, कोई खाद बीज भंडारण करने के लिए। तो मेरी पहले यही प्राथमिकता है कि मैं किसानों के लिए बढ़िया जगह बैठने के लिए ऑफिस वगैरह बनवाऊँ, गोदाम बनवाऊँ, जिससे कि खाद बीज और जो भी किसानों के लिए सुविधा है, कृषि यंत्र वगैरह रखने की सुविधा हो। तो मेरा सर्वप्रथम आग्रह यही है कि ये सुविधा मैं किसानों को जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाऊँ। तो सर, बातचीत करते हैं नई सोसाइटी गठन करने के पीछे का क्या उद्देश्य है सर आपका, यहाँ के जो किसान है समस्त उन किसानों के क्या जन कल्याणकारी योजना किस हिसाब आप वहाँ तक उन तक पहुँचाने की कोशिश करोगे, क्योंकि ये भारत कृषि प्रधान देश है, 65% पॉपुलेशन यहाँ किसान है। तो आपके भी मैं मानता हूँ कि यहाँ पे भी 65% यहाँ किसान ही होंगे, तो किसानों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं क्या चाहते हो आप, सहकारिता विभाग उदयलाल जी अंजना तक विशेष तौर से क्या बात पहुँचाना चाहते हो, या मिश्र जी से क्या कहना चाहते हो कि यहाँ पे हमारे सोसाइटी के अंदर किसानों कैसी जन कल्याणकारी योजनाएं दिए, किसान डेवलपमेंट हाउस के अच्छी उत्पादन ले सके। मेरे तो ज़्यादातर किसानों से ये उम्मीद करता हूँ कि जितने ज़्यादा किसान हमारी सोसाइटी से लोन के लिए जुड़े, अच्छा फायदा उठाएं, जो सरकार हमारे पैसे दे रही है उस पैसे से। और बाकी ऑर्गेनिक जब यूरिया और डीएपी की किल्लत आती है तो उसके बराबर में दूसरा हमें कोई विकल्प हमें खोजना पड़ेगा, जैसे कि गवर्नमेंट चाह रही है कि ऑर्गेनिक खेती करो, तो ऑर्गेनिक खेती के बारे में हमें कुछ समझना पड़ेगा, उसका यूज़ भी हमें बराबर में करना पड़ेगा। धीरे धीरे हमें डीएपी यूरिया का जितना भी कम यूज करेंगे हमारे ज़मीन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। मैं ज़्यादातर किसानों से यही आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती अपनाएं, यूरिया डीएपी को यूज में कम लें, जिससे हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी ज़मीन के लिए भी फायदेमंद रहेगा, आगे वाली पीढ़ी के लिए भी और भी बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो सर, बातचीत करते हैं आरपीडी न्यूज चैनल के माध्यम से, सोसाइटी के अध्यक्ष पद पर विराजमान हुए तो कैसा महसूस कर रहे हो, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हो, अगर पार्टी मौका दे तो आगे किस और कदम रहेंगे आपके? किसानों का सुविधा अनुसार जो भी उनकी सुविधा उनको ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ। क्या क्या यहाँ पे आपके क्या सोसाइटी के अंदर क्या जन कल्याणकारी योजनाएं चाहते हो आप? जन कल्याणकारी योजनाएं तो किसानों के लिए अभी तो ये सोचते हैं कि मौके पर जो व्यवस्था चल रही है उसको कुछ बदलाव करें, युवा को भी इस खेती में जोड़ने के लिए ज़्यादातर यही कह दें, युवा खेती से जुड़ो और पीछे जो पीढ़ियों से चला है उसको बदलने की कोशिश करें। नहीं, सोसाइटी के अंदर क्या चाहते हो कि जैसे अच्छा खाद बीज मिले या अच्छा कृषि यंत्र हो ताकि किसान डेवलपमेंट हो सके? ज़्यादातर यही सोचते हैं कि अच्छे डीएपी और खाद यूरिया, जो भी डीएपी यूरिया हमारे किसानों को जरूरत है, जरूरत के टाइम के अनुसार उपलब्ध मिलती रहे, और कृषि यंत्र जिन किसानों के पास नहीं है उनको टाइम पर जुताई के लिए भी कृषि यंत्र जरूरी हैं, तो वो भी हमें अगर सहायता मिले गवर्नमेंट की तरफ से हमें लेने के इच्छुक हैं। सर, आजकल क्या है कि जो सरकार है वो काफ़ी ध्यान दे रही है किसानों के ऊपर, जैसे सिंचाई पानी को लेकर, और जैसे मान लो आजकल क्या है कि सिंचाई, और प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं कि बूंद बूंद बचाओ, पानी बचाओ, और इसको थोड़ा सा रेनलाइज कीजिए, जैसे मान लो ड्रिप योजना है, डिग्गी निर्माण योजना है, और भी सरकार ऐसे जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे कम पानी के अंदर, कम जमीन के अंदर ज़्यादा उत्पादन हो, ऐसे ऐसे स्कीमें निकाल रही है सरकार, जैसे फॉरेन कंट्रियों में चलता है, तो आप क्या चाहते हो कि हमारे भी यहाँ सिस्टम और जो सिंचाई का पानी वो पर्याप्त मात्रा में रेगुलेशन के हिसाब से हनुमानगढ़ गंगानगर को दे दिया? मैं ज़्यादातर यही सोचता हूँ कि जितने भी किसान जागरूक होके जितना भी पानी बचत के हिसाब से जितना पानी उपलब्ध लेंगे कोई फायदा नहीं। आज से मैं करीब 2010-12 के बता रहा हूँ आपको, डिगी के लिए किसानों के पास
गवर्नमेंट खुद चला के आए करती थी डिग्गी बनाओ, आज किसान खुद भी जा रहे तो भी डिग्गी उपलब्ध नहीं हो रही है। तो धीरे धीरे इसको व्यवस्था को बनाओ, जो गवर्नमेंट को ड्रिप सिस्टम है वैसे बहुत ही ज़्यादा, डिग्गी बनाओ, ड्रिप सिस्टम लगाओ, ज़्यादा सिंचित हो जाए ज़मीन से, बूंद बूंद से अप्लाई करो, तो किसानों के लिए पानी के लिए बहुत ही स्टॉक सीमा करे और जितना भी हमारे हिस्से का पानी है वो हमें निरंतर मिलता रहे। तो सर बातचीत इसके लिए क्या है कि अभी किसानों के साथ मांगें चल जो साथ जो मांगें चल रही हैं किसानों की कि हमारे की जो भी किसान हैं वो मान ली जाए, इसके अंदर सिंचाई पानी है या जो अपना जो MSP है वो बड़े रेट बढ़ाया जाए और जो जो भी किसानों की मांगें हैं उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो वो मांगों को सरकार मानना चाहिए। हाँ, मेरे ज़्यादातर ये सोचता हूँ कि MSP जितना बढ़ाए इतना ही बढ़िया है। MSP पर जितनी उपज होती है वो किसान की जितनी बेचना चाहता है वो MSP रेट पर ही खरीदनी चाहिए गवर्नमेंट को, जो भी उत्पादन करते हैं। और एक मैं ये भी अनुरोध करता हूँ कि आज गवर्नमेंट कर्मचारी है या दूसरा वर्ग का जो जितना आज पीछे जो बजट में आ रहे हैं बोले 243-250% जो उनको वेतन भत्ता मिला है, किसान को आज तक सिर्फ 16% ही मिला है। किसान खेती नहीं छोड़ेगा, किसान खेती से जुड़े रहेगा। तो सर बातचीत करते हैं, मैंने ये सुना है कि जैसे मान लो कृषि यंत्र वगैरह है जो खाद बीज है इनके ऊपर भी सरकार टैक्स लगाने की पूरी कोशिश कर रही है, तो विशेष तौर से किसानों की बहुत ज़्यादा दयनीय हालत हो सकती है, तो इसके अंदर आपका मानना है कि इस टैक्स को हटाकर इसको थोड़ा सा राहत दी जाए किसानों के? अगर टैक्स लगाने की गवर्नमेंट सोच रही है तो किसान बिल्कुल भी आत्महत्या की तरफ बढ़ने की मजबूर हो जाएंगे, किसी प्रकार का कोई स्रोत ही नहीं बचेगा उसके पास। तो किसान को अलग से किसी प्रकार का कृषि किसानों के लिए कुछ कुछ करना ही पड़ेगा, तभी ये खेती हमारी बचत रहेगी बचेगी। तो सर बात करते हैं जैसे मान लो एक कोई भी प्रोडक्ट बनता है किसी प्रकार का, तो वो जो कंपनी है वो खुद निर्धारित करती है कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में हम इस इतने पैसों में उतारेंगे, लेकिन एक दुर्भाग्य है अपने देश का कि एक अपने किसान प्रधान देश होने के बावजूद भी यहाँ किसान को कोई अनुमति नहीं कि अपनी फसल का खुद रेट निर्धारित करते हैं। सर बहुत ज़्यादा ये भी एक गलत है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ज़्यादातर यही है कि किसान हमेशा ही भाव की तरफ अपनी उपज बेचता है, उस टाइम ठगा जाता है, व्यापारियों द्वारा ठगा जाता है, ना ही कोई इसकी सुनाई होती है, अपने मन मर्जी रेट खरीदते हैं। किसान अपने लागत और अपनी मजदूरी के अगर फला के कहे मेरी ये भाव खरीदो तो उस हिसाब से खरीद होनी चाहिए किसानों की उपज को। तो सर आपको कैसा लग रहा है अध्यक्ष बनने पर और आपकी क्या मांगे हैं कि अध्यक्ष बनने के ऊपर में हमारे समस्त जो क्षेत्र के किसान हैं उन किसानों को ये जन कल्याणकारी योजनाएं उनकी धरातल पर पहुंचेगी या पक्षपात होगा आपकी वजह से? मेरी ज़्यादातर ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा धरातल पर उतारें, न किसी पक्षपात का है, न किसी राजनीति है, किसी भी भेदभाव नहीं रखना है, सब किसानों को बराबर समझ के और इस योजना या सोसाइटी को आगे बढ़ाएं, जितनी बढ़े इतनी बढ़ाने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ जुड़े हुए थे मज्जन जी विकेश, तो बताना चाहूँगा कि एजुकेशन पर्सन है वो, किसान के साथ साथ पढ़े लिखे भी पूरे अध्यक्ष पद पर विराजमान है, तो उनका बोलना है किसी प्रकार का मुद्दा हुआ किसानों का तो विशेष तौर से मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा चाहे दिन हो चाहे रात, और विशेष तौर से उनका ये मानना है कि हमारी सोसाइटी को पूरे राजस्थान की सोसाइटियों में टॉप लाने का मेरा पूरा प्रावधान रहेगा। मैं सुनील खिची RPD न्यूज़ में, सर 10 मिनट देने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे कीमती समय आपने हमारे लिए दिया, आपको RPD न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जय हिंद।